हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर डीएस इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान के प्रीबोर्ड परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं पूरा सॉल्यूशन। यहां पर हम देख सकते हैं अधिकतम अंक 70 दे रखे हैं और यहां प्रीबोर्ड परीक्षा लिखी हुई है, क्लास ट्वेल्थ और जीव विज्ञान लिखा हुआ है। यहाँ पेपर प्रीबोर्ड परीक्षा का जो अभी मिला है उसी प्रीबोर्ड परीक्षा का है। इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि सही विकल्प चुन करके लिखने वाला ऑप्शन दिया हुआ है, और वहीं दूसरे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान दिए हैं। वहीं तीसरे क्वेश्चन पर सही जोड़ी है और चौथे क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि दो दो नंबर के देखने को मिलते हैं हमें, और वहीं आगे हमें इस पेपर में तीन नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चार नंबर एवं पाँच नंबर के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक का आंसर हमें दिख जाएगा। यहाँ पर पहले में हमें मिल जाएगा, पहले आंसर में आ जाएगा द्विलिंगी, दूसरे में आ जाएगा योजी, और तीसरे में आ जाएगा 400, और यहाँ पर चौथे वाले में आएगा टी एक टी यानी कि टी टी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं उसे। पांचवे नंबर पर AUG, और वहीं प्रोटो ओजोन परजीवी द्वारा छठे नंबर पर, और सातवें पर यहाँ DNA में फास्फोरिक अम्ल का प्रकार है। यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहीं फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में आ जाएगा फल, दूसरे में आ जाएगा तीन, और फिर फिनियल और लेक्टोवेसिलस, और आगे जेनेटिक मॉडिफाई, और मरुस्थलीय अगले में, और अगले में आएगा डेमोग्राफी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, तो क्वेश्चन नंबर तीन का जो आंसर है वो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है, जो कि जोड़ी है, और यहाँ जोड़ी हम देख सकते हैं लिप्टोसाइट्स को लसिका से मिल जाएगा, जैव उर्वरक को नाष्टक व उनाविघ्ना से मिल जाएगा, और बायोगैस का मिथेन से मिल जाएगा, और संतुलित दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं से मिल जाएगा, और BT का मिल जाएगा बेसिलस यूरिजेसिस उससे मिल जाएगा, और एलाइजा तकनीक का मिल जाएगा रोग की प्रारंभिक पहचान। और वहीं आगे बढ़ते हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर हमें कुछ इस प्रकार को देखने को मिल जाता है। यहाँ पहले में आ जाएगा 8 कोशिकीय व 7 भ्रूणपोष, और वहीं दूसरे नंबर पर मादा आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर 21, और चौथे नंबर पर राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और राइजोबियम और लाइकेन, और 10%। आगे बढ़ते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है जो कि लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर, यहाँ पर ऐसा इस प्रकार का अंतर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पांचवें क्रमांक का जो क्वेश्चन है इस प्रकार का आंसर है इसका, और वहीं छठे क्रमांक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अथवा वाला लिखा गया है, स्वपरागण व पर परागण में कोई द्वंतर, तो इस प्रकार के द्वंतर इसमें लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 का जो हमें आंसर मिलता है, अपरा के दो कार्य निम्न है, यहाँ पर ये नीचे निम्न दो कार्य दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। वहीं क्वेश्चन क्रमांक 9 अनुलेखन के बारे में यहाँ पूरी जानकारी DNA व RNA की पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो क्वेश्चन क्रमांक 10 का हमें आंसर इस प्रकार का देखने को मिल जाता है हमें, जो कि अथवा वाला है, एल्कोहल के दो कुप्रभाव निम्न है, यहाँ पर इसे दिए हुए हैं। वहीं क्वेश्चन क्रमांक 11 का आंसर कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, मनुष्य के जो दिया हुआ है इसमें डेंगू और दो मलेरिया दो रोगों के नाम बताए गए हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। अगर आप 10th और 12th क्लास में पढ़ते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ का आपको लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 12 जो कि यहाँ पर इस प्रकार का आंसर इसमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो अगला जो आंसर है वो हमें क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, यहाँ पर शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में अंतर, यहाँ पर निम्न तीन अंतर दिए गए हैं, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो यहाँ पर अथवा वाला आंसर दिया गया है,
इसमें पूरा आंसर आपको इसमें दे रखा है और साथ में इसके इसकी उपयोगिता भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का आंसर भी हमें इसमें मिल जाता है। इंटरफेरोन पूरी जानकारी इसमें दे रखी है, कार्य भी दिया हुआ है, साथ में इसकी पूरी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, उसका आंसर यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें ऐसा देखने को मिलता है, जन्मदर और मृत्यु दर की पूरी जानकारी से मिल जाएगी। जन्मदर से मतलब किसी इकाई समय में किसी जीव द्वारा उत्पन्न जीवों के जन्म संख्या को जन्मदर कहते हैं। वहीं मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो इकाई समय में किसी जीव संख्या में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पर लिंग अनुपात भी दिया गया है, इसका तीनों का बारे में डिटेल दे रखी है। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो कि 17 और अथवा वाला दिया गया है, यानी कि डीएनए और आरएनए में कोई चार अंतर, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आसानी से इसमें और अपनी कॉपी में, ताकि आपके अधिक से अधिक नंबर आए। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है, उत्तर नंबर 18 या क्रमांक 18, तो इसमें पूरी जानकारी दे रखी है। पीआरसी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है और उसका विकृतिकरण भी इसमें पूरा दिया गया है और पूर्ण प्रकृतिकरण भी इसमें दे रखा है, साथ में संश्लेषण। और आगे बढ़ते हैं इसमें संश्लेषण की पूरी जानकारी दे रखी है एवं उसका चित्र भी बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसका आंसर हमें चित्र दे रखा है और आप चाहे तो इसमें कुछ डिटेल भी लिख सकते हैं। होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे और अच्छे नंबर प्री बोर्ड परीक्षा में लाएंगे। यहाँ पेपर का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है और अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब दिया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।